कौन सा लूं? मेरा ना सर फट रहा है, मार्शल का विलन लूं या कुछ और पैसे बचाऊं और एम्बिटन 2 ले लूं, वर्थ इट होगा कि नहीं? तो फिर आज की वीडियो देखनी तो बनती है, लाइक करो। हे व्हाट्स अप, मेरा नाम है शिवम और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इन स्पीकर्स पे बेस्ट डील्स ढूंढना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पहला लिंक चेक कर सकते हैं। तो रिसेंटली मार्शल ने अपने सारे स्पीकर्स अपडेट कर दिए थे जिसमें ये दोनों भी थे। तो मार्शल विलन लॉन्च हुआ था 10,000 रुपये का, वैसे अभी आना है इंडिया में, मैंने अपने USA वाले आयो कॉल योर USA वाली पुआ जी। और एम्बिटन 2 लॉन्च हो चुका है और इसका प्राइस है 17,500 रुपीज। अब इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जैसे कि फीचर्स और बैटरी लाइफ साउंड वगैरह का उसको लेके, तो सवाल ये बनता है कि क्या 7,500 पे लगाने चाहिए या बचाने। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की, बिल्ड की बात करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या बाय कर रहे हो, आप मार्शल खरीद रहे हो। अगर इनकी भी क्वालिटी बकवास निकली तो मैं बोट के 1,000 शेयर खरीद लूँगा, वैसे बोर्ड के शेयर नहीं है। सो डिज़ाइन वाइज दोनों ही पोर्टेबल स्पीकर हैं, एम्बिटन 2 बार शेप में है और विलन थोड़ा स्क्वेयरिश कॉम्पैक्ट सा है और जेब जूब में आसानी से आ जाता है। वेट में हाँ डेफिनेटली हाफ का फर्क है, जो एम्बिटन 2 है ये 700 ग्राम का है कुछ और ये 310 ग्राम का, तो दोनों के स्पीकर के वेट में काफ़ी फ़र्क है। अब इनकी फील में ऐसे आपको कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा, दोनों के अंदर आपको फ्रंट में मेटल ग्रिल मिलेगी और मार्शल का लोगो दिया हुआ है। बैक साइड पर अगर आप देखते हैं तो एम्बिटन 2 में भी आपको बैक में भी ग्रिल मिलती है। अब इन दोनों के चारों तरफ में आपको लेदर जैसा टेक्सचर देखने को मिलेगा, मतलब जो काफ़ी ऐसा असली सा लगता है, हालांकि ये रबर में है पर बिल्कुल भी सस्ता नहीं लगता है स्पीकर, एकदम ओरिजिनल सा लगता है देखने में। दोनों स्पीकर में आपको टॉप में ब्लूटूथ बटन, बैटरी लेवल दिख जाएगा और एक इनकी जो बड़ी सही चीज़ है दोनों स्पीकर में वो है ये ब्रास का डी पैड कंट्रोलर, यहाँ पर आपको टॉप में मिलता है और यहाँ पर आपको फ्रंट में, तो इनकी मदद से आप वॉल्यूम मीडिया वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। एक एडिशनल डिज़ाइन फीचर आपको विलन में मिलेगा, वो है इसके बैक में ये स्ट्रैप, तो इसकी मदद से आप इसको कहीं भी ऐसे लगा सकते हैं या इसको हैंग करना चाहें तो आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, तो ऐसे पाइप वाइप पे, बाइक स्टैंड मतलब बाइक के हैंडल पे, कहीं भी आप इसको लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं इसको। और अब बात कर ही रहे हैं फीचर्स की, तो इन स्पीकर्स में आपको मिलेगी IP67 वाटर एंड डस्ट रेटिंग और आप इसको पानी में भी डुबा सकते हैं अगर आप चाहें, मतलब 1 मीटर तक और 30 मिनट के लिए। पर इसके फ्लैप्स वगैरह जो USB Type-C है उसके ऊपर कोई भी इन्होंने फ्लैप नहीं दिया हुआ, तो उसकी वजह से इसके अंदर पानी जा सकता है और मतलब रस्ट लग सकती है इसके पोर्ट्स पे, तो ऐसा मत कीजिएगा, मतलब ऐसी बेवकूफ़ी करनी क्यों है आपने, इतने ज़्यादा पैसे लगाए इन पे, मतलब आपको स्विमिंग पूल में डूब के गाने सुनने के तो कोई शौक नहीं होंगे। अगला फीचर है इसके अंदर ब्लूटूथ 5.1 मिलता है विद ड्यूअल पेयरिंग दोनों डिवाइस में, तो आप एक टाइम पे दो डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो और टर्न बाय टर्न अपना गाना चला सकते हो। और वैसे इन दोनों में आपको 10 मीटर्स की रेंज मिलेगी और उससे ऊपर ही काम करती है, मैंने खुद टेस्ट करके देखी है। एक और फीचर दोनों के स्पीकर में मिलेगा, वो है आपको ऐप सपोर्ट, मार्शल की खुद की ऐप है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि उसकी रेटिंग काफ़ी बुरी है, तो उस ऐप के थ्रू आप EQ प्रीसेट चेंज कर सकते हो। 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको, मार्शल डिफॉल्ट EQ, पुश या बेस बूस्ट मोड कह सकते हो और वॉइस EQ। ज़्यादातर गानों पर डिफ़ॉल्ट EQ सही रहता है, पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे बेस वाले गाने सुनते हो तो आपको उसको पुश मोड पर रखना चाहिए, उससे बेस काफ़ी बढ़ जाती है इसकी और जो ये वॉइस वाला है इसमें ये थोड़ा फ्रिक्वेंसी दबा देता है, तो जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक और चीज़ आपको इस ऐप में मिलेगी वो है OTA अपडेट, तो अपने स्पीकर्स को आप ओवर द ईयर अपडेट कर सकते हैं, इसकी फर्मवेयर वगैरह तो आप वो ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अब उस अपडेट को करने से होगा क्या पता नहीं, शायद आवाज़ बढ़िया हो जाए, थोड़ा स्टेबल कनेक्शन हो जाए, पता नहीं जब आएगा देखेंगे। लास्ट फीचर जो आपको इन दोनों में मिलेगा वो है स्टैकिंग मोड, तो अगर आपके पास कोई भी स्पीकर, आप करो आपके दोस्त के पास सेम स्पीकर है तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली, तो उससे क्या होगा कि आपको स्टीरियो साउंड मिलेगा और लाउडर साउंड मिलेगी। तो ये सारे फीचर्स जो आपको इन दोनों स्पीकर्स में मिलते हैं, पर एक फीचर ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आपको विलन में मिलेगा, वो है इनबिल्ट माइक, तो विलन की मदद से आप कॉल्स वगैरह ले सकते हो डायरेक्टली स्पीकर से। तो बात करें इसकी ऑडियो क्वालिटी की, तो ये है इसके इनबिल्ट माइक में से आवाज आ रही है, जो तो जिस भी इंसान से आप बात कर रहे हैं उसको आपकी आवाज कुछ कुछ ऐसी सुनेगी। क्वालिटी तो ठीक ठाक सी है, बट माइक दिया हुआ है तो कभी आपका मन करे कि आज मैं अपने घर वालों को सुनाता हूँ कि मैं और मेरी बंदी क्या बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको ऑप्शन इसमें ही मिलेगा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन। अब एक चीज़ दोनों ही स्पीकर में मिसिंग है, वो है इसके अंदर किसी में भी आपको ऑक्स इनपुट नहीं मिलती, इसमें कोई भी ऑक्स इनपुट नहीं है, तो बात खत्म। ये तो था सारे फीचर्स के बारे में, अब बात करते हैं इनकी बैटरी लाइफ के बारे में। तो इन दोनों ही स्पीकर्स में आपको पता नहीं कि कितने अमाउंट ऑफ बैटरी एमएच है, कहीं भी लिखी नहीं हुई क्योंकि पता नहीं चला, कहीं मेंशन नहीं है, पर दोनों में ही आपको मिलेगी फास्ट चार्जिंग, तो अगर आप इसको 20 मिनट के लिए चार्ज करते हैं दोनों स्पीकर्स में तो आपको मिलेगी 3 घंटे का बैटरी बैकअप विलन में और 4 घंटे का बैटरी बैकअप एम्बिटन 2 में। एक बार फुल चार्ज करने में आपको 3 घंटे लगेंगे इन दोनों स्पीकर को, इसके अंदर आपको 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर का चार्जर यूज़ करना पड़ेगा, वही सपोर्ट करता है ये स्पीकर,
उसके बाद आपको मिलेंगे 15 घंटे का बैटरी बैकअप। तो मतलब मैं बी रोल शूट कर रहा था 2 दिन, तो कोई ऐसे चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो काफ़ी सही चलता है। 15 घंटे काफ़ी होते हैं कि इतने से स्पीकर के लिए। और अगर बात करें इस एम्बिटन 2 की, तो इसको भी 3 घंटे लगते हैं, और इसके अंदर आपको 5 वोल्ट 3 एम्प वाला चार्जर यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको मिलेगा 30 घंटे का बैटरी बैकअप, मतलब डबल। मतलब मैं इसको सीरियसली खुद 4-5 दिन बाद चार्ज करता हूँ, तो बैटरी बैकअप इसका काफ़ी सही है। और अगर आप इसको 60-70% वॉल्यूम में सुनते हैं तो शायद 2-2 हफ्ते चल जाए, पता नहीं। तो बैटरी बैकअप का तो कोई जवाब ही नहीं है इन दोनों ही स्पीकर्स में। तो ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि आप कौन सा स्पीकर लें। अगर आप मतलब 15 घंटे आप घर घर में रहते हो, कॉलेज जाते हो, तो आप डेफिनेटली ये देख सकते हैं, क्योंकि 15 घंटे सफिशिएंट होंगे आपके लिए। और अगर आप मतलब हमेशा घूमते रहते हैं, चार्जिंग का ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप ये देख सकते हैं। आगे है सबसे ज़रूरी चीज़, और तब तो बहुत ही ज़्यादा जब आपके इतने सारे पैसे लगे हों, और वो है साउंड क्वालिटी। और मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर होगा जिससे बहुत ज़्यादा मतलब वजन होगा, जिसमें जिसके जिससे आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा स्पीकर लेना है। तो ड्राइवर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ, तो हमें मिलता है 2 इंच का ड्राइवर 10 वॉट का, और ड्यूअल बेस रेडिएटर विलन पर, जिसकी लाउडनेस है 82 डेसिबल्स SPL एट 1 मीटर। तो SPL बोले तो साउंड प्रेशर लेवल, ये एक यूनिट होता है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कोई स्पीकर कितना ज़्यादा लाउड है। और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स भी बताऊँ तो ये 100 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ सपोर्ट करता है, मतलब आउटपुट देता है। अब वहीं एम्बिटन 2 में हमारे को मिलता है डुअल 2 इंच का 10 वॉट का ड्राइवर, एक आगे एक पीछे, और 2 बेस रेडिएटर, वो भी एक आगे एक पीछे, जिसका SPL लेवल है 87 डेसिबल्स। तो इससे ये पता चलता है कि ये वाला स्पीकर इसे लाउडर है। और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स भी बताऊँ तो इसके अंदर वो आपको बेहतर मिलता है, इसके अंदर है 60 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़। तो बेस रिस्पॉन्स में इसमें बढ़िया है। पर स्पेसिफिकेशन को साइड में रखते हुए रियल लाइफ की बात करें, तो दोनों ही स्पीकर में आपको मिलेगी शानदार साउंड क्वालिटी। पर्सनली मुझे एम्बिटन 2 की साउंड बहुत सही लगी। विलन की वैसे तो आवाज़ सही है, पर इसके अंदर थोड़ी बेस मुझे कम लगी, थोड़ी कमी लगी बेस की। अगर आप पुश मोड पर कर देते हैं तो अच्छी हो जाती है, काफ़ी ठीक लगने लग जाता है। पर जब आप इसको एम्बिटन 2 के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको बेस में काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा। दोनों स्पीकर में काफी क्लियर साउंड है वैसे, मतलब क्लैरिटी का कोई जवाब नहीं, वॉइस सब सही आती है, मिड्स हाई फ्रिक्वेंसी एकदम बढ़िया। बट जब आप दोनों को बेस में कंपेयर करते हैं तो आपको फर्क देखने को मिलेगा। पर यह चीज भी आपको देखनी पड़ेगी कि ये 10,000 का है और ये 17,500 का। मतलब मेरे ख्याल से जब आप दोनों को कंपेयर करके सुनोगे तो आपको मतलब 10,000 लगाने का मन नहीं करेगा, आप कहोगे ये वाला ले लेते हैं, इसके ज्यादा बढ़िया साउंड है। फिर आप अपनी जेब देखोगे और रोने लगोगे, मैं नहीं कुछ कर सकता। तो ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या लेना है। मतलब मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि क्या फ़र्क है दोनों में, कि किस तरह सोचे, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। अगर तो आपके पास देखो 10,000 रुपये हैं, आप उतने मुश्किल से कर पा रहे हो, तो बस बिना सोचे ये ले लो। पर अगर आपके मन में थोड़ा सा है कि विलन लें कि नहीं, और इसका मतलब है कि आप बजट बढ़ा सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको डबल बैटरी लाइफ चाहिए, बेहतर साउंड क्वालिटी चाहिए, और साइज़ का ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और आपको माइक तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आप एम्बिटन 2 लीजिए। अब आपका काम है सोचना, और मेरा सिर्फ एक ही काम रह गया है, आपको बेस्ट डील्स के लिंक देना, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो आप वहाँ से इसे देखिए और पैसे बचाइए। पर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई, और अगर आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे सेफ, बाय बाय।